हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राजीव कुशवाहा। फ्रेंड, ये गाड़ी है लीलैंड, इसका बेयरिंग टूट गया है और इसको अपन निकालते हैं घन की मदद से ड्रम को बाहर। ये देखिएगा, इस तरीके से निकाल के देखा और इसको खोल के देखा तो घन पे घन बजा दिए मैंने, फिर भी नहीं निकला ये। अब तो इसके लिए अपन को क्या कूलर पाना लगाना पड़ा है। आप भी देखिएगा कितना मगजमारी करना पड़ रहा है हमको। साला प्यार से निकल जाता कभी कभार तो, और इतना नफरत से निकला वो। अब फिर इसके बाद में ये गाड़ी में आया, इसमें सेंटर बेयरिंग की रबड़ डाला हमने। इसको डालने के बाद में फिर अपन एक और गाड़ी में जाएंगे, एक गाड़ी में और काम करने का हमको, उसमें भी जाएंगे। फिर अगर फ्रेंड अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल कर दें, सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको इंटरेस्टेड वीडियो डालने के लिए, देखने के लिए। तो ये देखिएगा फ्रेंड, हमने इस रबड़ को डाल के कंप्लीट कर दिया है। इसको अब हम लॉक कर रहे हैं। ये भी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गया है तो इसको भी हम सही करने आए थे। इसका सेंटर बेयरिंग का रबड़ टूट गया था। तो फ्रेंड ये देखिएगा फ्रेंड, फिर से एक नई गाड़ी में आ गए हम। इसमें क्या, इसके पूरे हब के बोल्ट कट गए हैं, जल गए, पूरा सीज हो गया है। तो किस कारण से हुआ, इसके हब के बोल्ट ढीले रहने की वजह से ये बोल्ट सारे ही टूट गए थे। तो इसलिए अब हम इनके 10 ही बोल्टों को नया डालेंगे। तो इसलिए अब क्या कि इसको वहाँ से चोट नहीं पड़ पा रही थी, बोल्टों में फर्क है थोड़ा बहुत। तो इसलिए अपन इसको क्या आप खोल के बड़े पहले प्यार से बिठा के देखेंगे एक बोल्ट को, ताकि सारे बोल्ट ख़राब नहीं हो अपने। फिर इस तरीके से ये देखिएगा 16-12 वाले गाड़ी, जबकि ये फुआ का एक्सेल है फ्रेंड, इसमें फुआ के बेयरिंग लग रहे हैं, पर मॉडल 16-12 जैसा वाला कर दिया इन्होंने। इस तरीके से चेक नट लॉक होता है और अपन अब इसके हब के बोल्ट को पूरा बाहर निकाल के हब के बोल्ट को ठोकेंगे। जबकि कायदा तो यही बोलता है फ्रेंड के इस तरीके से आपके बोल्ट ठोकना है। अगर ये टाटा गाड़ी होती ना फ्रेंड तो मैं पीछे लगाए में ठोक देता इसको। आप भी देखिएगा इस तरीके से ये। देख लिया फ्रेंड हमने कितनी मेहनत से बोल्ट ठोके हैं फ्रेंड। एक गाड़ी में ये मैंने डीजल मोटर लगाई है इस टंकी का, डीजल इस टंकी में करने के लिए। तो आप भी देख लेगा इसका ये नीचे वाला लाइन काम नहीं कर रहा था, क्या पता कचरा मचरा आ गया होगा। तो इसलिए अपन ने शॉर्टकट में मोटर लगा दी इसकी। फिर आ गए फ्रेंड हम एक और नई गाड़ी में, ये फ्रेंड बस लीलैंड की। इसमें क्या हम लाइनर जल रहे हैं, इसके लाइनर बिल्कुल जल के खाक हो गए थे, एक टूट गया था फ्रेंड लाइनर। तो इसलिए हम इसके लाइनर जल रहे हैं। तो किस तरीके से जलते हैं आप भी देखिएगा। अगर ये देखिएगा फ्रेंड, ये हमने लाइनर पुराने वाले निकाल दिए काट के छेनी की मदद से, और अब ये नया वाले डाल रहे हैं हम रिपीटों को रोकते हुए। किस तरीके से ठोकते हैं और ये भी देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी मैकेनिक रिलेटिव वीडियो देखने के लिए इन ब्लॉग मैकेनिक ब्लॉग। तो इस तरीके से ये देखिएगा हमने ये कर दिया है अब आपको सामने। चलो फ्रेंड चलते हैं, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करेंगे हम। तो अब तक के लिए बाय।
टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।